बैठा नहीं जा रहा है, इतनी एक्साइटमेंट है, ऐसे वो चल रहे हैं कि स्टार्ट होने वाला है. बट यस, आई एम टू एक्साइटेड बिकॉज सिंस लॉन्ग आई वॉज ओनली लुकिंग फॉर वेब सीरीज. मतलब मुझे अब जो करना था वो सिर्फ वेब सीरीज में ही कलाकारी करनी थी. और बहुत टाइम से स्क्रिप्ट आ रही थी, मैं देख रहा था, बट वो ही सेम चल रहा था. कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि जिसको देखते मैं कहूँ कि यस यही है जो मुझे चाहिए या बहुत अच्छा लिखा है. बट दिस आपको आपको ऐसा लगेगा इट्स ऑन सीरियल किलर मिस्ट्री है, वही सेम होगा. जैसे अभी पेंडेमिक के वक्त में हम सब ने देखी है वेब सीरीज, बहुत सी थ्रिलर्स आती हैं. मैक्सिमम अगर आप देखें तो थ्रिलर्स ही आ रही हैं हर जगह, नेटफ्लिक्स वगैरह में. तो ये जब मैंने सुना और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो बहुत ही डिफरेंट स्क्रिप्ट थी. मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इतनी देख ली थी कि मैं, मुझे भी पता है कि कहाँ से क्या उठाया, अच्छा इसने कहाँ से किया, कोरियन भी ये वो. बट दिस इज़ वेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट, बहुत रियल स्पेस में है. और जो लोग भी हैं, जो लोग हमने लिए जो वेब सीरीज से जुड़े हैं, सब बहुत रियल कैरेक्टर्स हैं. मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम कहाँ वहाँ से इंसान उठा के यहाँ पे ले आए हैं, वहाँ से लाएँ. जगह भी बहुत रियल में कर रहे हैं महोबा में. आज तक वहाँ पे शूट नहीं हुआ है, पहली बार हम जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से चीज़ें मतलब पुरानी चीज़ें हैं वहाँ पे, गुफाएं हैं, शहर भी है, सब कुछ है वहाँ पे. तो एक ही जगह में हमें सब कुछ मिल रहा है. और हम बस जुड़े हैं इसके साथ क्योंकि मैं स्पेशली इससे जुड़ा क्योंकि मुझे लगा कि ये एज एन एक्टर मुझे वहाँ, जो एक एक्टर को ये कामयाबी चाहिए होती है, तो मुझे लगता है कि ये मुझे कामयाबी तक लेकर जा सकती है. ओके, आपसे जानना चाहूंगी आपका कैरेक्टर क्या है, लाइक क्या आप प्ले करने वाले हो और आपको जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो. इसके मेरा क्राइम रिपोर्टर का कैरेक्टर है, वो थोड़ी सी स्ट्रांग मींस स्ट्रांग भी है, थोड़ा डरती भी है और नहीं भी डरती है ना, और थोड़े रिस्क भी लेती है, इस टाइप का इसका कैरेक्टर है. और प्रिपरेशन ऑफ कोर्स मैं डायरेक्टर के, हमारे डायरेक्टर के गाइडेंस में बहुत प्रिपरेशन कर रही हूं. लेट्स सी. ओके, वर्कशॉप की बात करें तो क्या कुछ प्रिपरेशन, लाइक वर्कशॉप्स अभी आप अटेंड कर पा रहे हो या पैंडेमिक की वजह से नहीं कर पा रहे हो? नहीं, वर्कशॉप है इंडिविजुअली मैं ले रहा हूं, जिस जो मैंने अभी स्टार्ट करनी है. तो क्योंकि टाइम है अभी 10th के अराउंड शूट ऑन फ्लोर जा रहा है, तो उससे पहले आई विल बी टेकिंग पर्सनल क्लासेस, क्योंकि ऑफ कोर्स पेंडेमिक है तो हम ऐसे सब नहीं हो सकते. तो पर्सनल लेवल पे हम सब कर रहे हैं, जैसे ये कर रही है, मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे चल रहा है प्रिपरेशन. ओके, वेब सीरीज की जब हम बात करते तो सबसे पहले ऐसी कौन सी रीसेंट वेब सीरीज आपके दोनों के ज़हन में आती है जो आप लोगों ने देखी और बहुत पसंद आई है, एंड यू थॉट कि काश मैं इस वेब सीरीज का हिस्सा होता या होती? आई थिंक मिर्ज़ापुर. आई लव्ड मिर्ज़ापुर. मुझे लगता है कि वो वेब सीरीज एक ऐसी थी कि मैं उसका पार्ट हूँ, मैं मन करता है बाकी बाकी तो रिसेंट तो मैंने बहुत सारी ऑलमोस्ट में देखती हूँ. मिर्ज़ापुर हाँ, ऑफ कोर्स. जामतारा भी बहुत अच्छी है. जैसे जामतारा में आप देख लो सारे न्यू कैरेक्टर्स, कोई है ही पता ही नहीं आपको कौन है. मैंने नहीं देखे आज तक, मैंने एक्टर यहाँ पे नहीं देखे. मतलब होता है ना कि हाँ ये तो लोखंड वाला में देखा, ये तो हाँ ऑडिशन हमारे देते हैं, देखे ही नहीं थे, ये एक्टर था. तो ऐसे लगता है कि रियल. सो तभी आपकी एक लोग आपको रियल लुक भी आ रहा था. आप लोग आपको रिलेट ही तब करेंगे जब वो उस कैरेक्टर को जी अपने आप को सोचें. तो वैसे ही कुछ हम इस कैरेक्टर इस वेब सीरीज में करना चाहते हैं. जी ऑफकोर्स, मैं ये कहूँगा जो भी मैं करता हूँ, काम करता हूँ, चाहे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो चाहे कसौटी हो, सबको पता है. तो सबको पता है मतलब कि वो फेमस थी, लोगों ने देखा है, लोगों ने उसको प्यार दिया है. तो मुझे पर्सनली लगता है कि मैं ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ स्टूडेंट से नहीं, स्टूडेंट से थोड़ा कम मिला है, इससे ज़्यादा मिला, अच्छा मिला और बहुत अच्छा मिला है. मुझे लगता है कि एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे डिसीजंस अच्छे थे, क्योंकि कहूँगा तो कसौटी मैं नहीं करना चाह रहा था बट मैंने एंड ऑफ द डे करा था. और उसके बाद मुझे कई बार होता ना आप कर लेते हो फिर आप रिग्रेट करते हो कि यार ये मैंने क्यों कर लिया, बट ये था कि यार चलो कर लेते, और उसके बाद अच्छा हुआ यार मैंने कर लिया. मतलब इट वॉज लाइक दैट.
सो दैट इज वॉट अब मुझे नहीं लगता कि कोई कमियां बढ़ा है, मुझे हर एक से फायदा हुआ है. और मैं अब एज अ कैरेक्टर एज अ आर्टिस्ट ये कोशिश करता हूँ कि अगर आपको नहीं भी अच्छा लगना है तभी मैं लगवा लूँगा. तो ये अपने परफॉर्मेंस से. हाँ जी, बहुत सोशल डिस्टेंस मेंटेन करूँगा. इतना सोशल डिस्टेंस कि हम बॉम्बे के बाहर जा रहा हूँ मैं बनाने. तो मेरा बर्थडे भी है 1 जनवरी को. सो इट्स 2 celebrations in 1. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. मेरे फ्रेंड्स ने कुछ प्लान करा है सरप्राइज, तो वही है. बाकी आपका क्या प्लान है? अभी कोरोना की वजह से वैसा कुछ स्पेशल प्लान नहीं है, और अभी तो हम मोस्टली प्रोजेक्ट पे ही लगे हैं. ये मतलब डेडिकेटेड थी है, मैं थोड़ा इतना डेडिकेटेड नहीं हूँ. मैं अपना न्यू ईयर बर्थडे बना के फिर मैं वापस डेडिकेशन लाऊं. न्यू ईयर की अगर हम बात करते तो लोग रेजोल्यूशन भी बनाते हैं, तो आपका बर्थडे भी है, न्यू ईयर भी है, तो कौन सा रेजोल्यूशन आप बनाना चाहोगे इसमें? जी मेरा ये होगा कि थोड़ा 2020 में थोड़ा फोकस हट गया था हल्का सा. जैसे मैं पहले पूरा टाइम सारा टाइम काम करता रहता था, बट इसने मुझे रियलाइज़ करा कि पर्सनल लेवल पे भी यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. तो आई एम थिंकिंग कि मुझे हमेशा बैलेंस रखना है 2021 से. आई हैव टू बैलेंस माय वर्क एंड माय पर्सनल लाइफ एंड माय हैप्पीनेस. आई कांट ओनली बी 24/7 थिंकिंग अबाउट वर्क एंड बी देयर. आई हैव टू कहीं ना कहीं उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें रिलेशंस छूट गए थे. तो हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए. आई थिंक आई शुड बैलेंस माई लाइफ एंड आई शुड नॉट वर्क ऑन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन लाइफ रादर देन गो फॉर द रियल थिंग्स. जी मैं ये कहूँगा मेरे को 10 साल हो गए बॉम्बे आए हुए, और मुझे लगता है कि अगर मैं अपना बेस्ट बर्थडे कहूँगा तो वो दैट इज़ ऑलवेज विद माई मॉम डैड, कि मैं चंडीगढ़ जाके उनके साथ मनाऊँ. तो अगर मुझे दैट्स अ वेरी बिग फीलिंग फॉर मी. और वही मेरे मैं पार्टीज करवा लो, ये करवा लो, गोवा ले जाओ, कहीं और फॉरेन ले जाओ, वो सब तो चलता रहता है. बट आई थिंक फॉर मी इट्स माई पेरेंट्स एंड इफ आई सेलिब्रेट माई बर्थडे विद देम इट्स अ बिग थिंग फॉर मी एंड आई लव दैट थिंग. एंड वही मेमोरी मेरे आती है. मेरे को पार्टीज नहीं याद आती, वो तो मैं हर रोज़ करता हूँ, वो तो नॉर्मल है. या टेली रिपोर्टर्स है ना, सो टेली रिपोर्टर्स के सब दर्शकों को हमारी तरफ से, सारी क्रू की तरफ से, और हाँ जी सबकी तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर. वी होप कि आप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छा रहे. ये साल अब आने वाले साल हमारे लिए कोरोना फ्री रहे, और हम सब खुशी खुशी फ्रीली घूम सकें, फ्रीली जी सकें और खुशियों से जी. और अभी सेफ्टी का ध्यान भी रखें. थैंक यू.